ओके स्टूडेंट्स, देन टर्न पेज नंबर 28। उसके बाद हम अपने अगले पेज पे चलेंगे जो कि है पेज नंबर 28, और यहाँ पे है टू, सेकंड दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले हम इसको पढ़ेंगे क्या बोल रहा है ये। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स को फिल करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। उनमें से सही ऑप्शन पे राइट का निशान लगाना है, और वो जिस पे हमने राइट का निशान लगाया है उसे इस ब्लैंक में फिल भी करना है। ओके बच्चा, देखिए ए फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। ए इन डैश द सन इज वेरी हॉट एंड ब्राइट, और यहाँ पे दो ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, विंटर एंड समर। अब पहले हम इस सेंटेंस को समझेंगे। देखिए, कौन सा मौसम ऐसा होता है जिसमें सन बहुत तेज गर्म होता है और बहुत ज़्यादा चमकता है। बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान होगी और ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी कि जब गर्मी का मौसम रहता है उस समय हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप किससे लग रही है हमें, बहुत ज़्यादा धूप हमें सन की वजह से लग रही है, सूरज की गर्मी की वजह से लग रही है। तो ये कौन सा मौसम हुआ, विंटर सर्दियों का मौसम, समर गर्मियों का मौसम, कौन सा राइट लग रहा है? मुझे तो लग रहा है समर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस यू डबल एम ई आर समर के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे ये समर का मौसम फिल भी कर देंगे। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बी, द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन द डैश मॉनसून ऑटम, ये दोनों में से कौन से सीजन में ट्रीज की लीव्स पेड़ों की पत्तियां फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ये होती है ऑटम सीजन में। ये चीज़ें हमने जब हमने सीजन के बारे में पढ़ा था उस समय हमने अच्छे से देख लिया था कि पतझड़ के मौसम में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं। तो ये इस किस पे टिक लगाएंगे, ऑटम, और यहाँ पे क्या राइट करेंगे बच्चों, ऑटम। ओके, देन नेक्स्ट डैश सी वाला स्टार्ट करेंगे। डैश मॉनसून और स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेनी सीजन, ये दोनों में से दो मौसम दे रखे हैं, एक तो मॉनसून और एक स्प्रिंग। इन में से दोनों मौसम में से कौन से मौसम को रेनी सीजन भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है बच्चों, मॉनसून। हमने ये भी पढ़ा था कि रेनी सीजन का दूसरा नाम क्या है, मॉनसून, जिस समय बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे तीसरे वाले ब्लैंक में, मॉनसून। ओके, देन नेक्स्ट डी, ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स इन द डैश सीजन, पेड़ों के ऊपर नई पत्तियाँ कौन से सीजन में आती है, स्प्रिंग में या ऑटम में? नई पत्तियाँ आती हैं बेटा स्प्रिंग सीजन में। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि राइट का निशान लगाना है, और क्या करना है, यहाँ इस ब्लैंक में स्प्रिंग फील करना है। देन नेक्स्ट ई, विंटर सीजन इज वेरी डैश हॉट और कोल्ड, ये तो आप सभी को अच्छे से मालूम है कि विंटर सीजन हमारे सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो क्या फील करोगे यहाँ पे, कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड, और कोल्ड के ऊपर हमें क्या करना है, राइट का निशान भी लगाना है, जो कि आपको दिख रहा है। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी हुई कम्प्लीट। इसके बाद दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग फिल करेंगे। ये थर्ड वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट है रेन, रेन है ना, तो रेन कौन से मौसम में होती है, अभी इधर देखिए रेन होती है मॉनसून, मॉनसून मतलब रेनी सीजन में। तो क्या करेंगे हम, लाइन खींच के रेन को मॉनसून से मिला देंगे, या फिर इधर नंबर डाल देंगे, जैसे मैं मिला के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको मिलाना है। ये देखिए रेन को हम किससे मिलाएंगे, मॉनसून से। ओके, देन सेकेंड वाला है मैंगोज़, मैंगोज़ कौन से मौसम में आते हैं, सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि मैंगोज़ गर्मियों के मौसम में आते हैं, और गर्मी के मौसम को हम बोलते हैं समर। फिर है थर्ड चिली विंड, चिली विंड का मतलब है ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं कौन से मौसम में आती है बच्चों, विंटर। देन नेक्स्ट डी है फॉल, फॉल मतलब गिरना, तो फॉल मतलब है पेड़ की पत्तियां कौन से मौसम में गिरती है, पेड़ की पत्तियां गिरती है बच्चों ऑटम सीजन में। देन नेक्स्ट है ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स, वो कब उगते हैं, वो उगते हैं हमारे स्प्रिंग के सीजन में, जो चीज़ें आपको पहले भी क्लियर हो चुकी है। ओके, अब इसके नीचे दिए हुए हैं आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कल मैं एक्सप्लेन करके इनके पिक्स भी भेज दूंगी। आज आपको केवल करना है मैच द फॉलोइंग तक, जो कि आप लोग अपनी अपनी बुक्स में, कोर्स बुक में फिल करेंगे। ओके, बाय।